Morning students, I am Ananta, your SST teacher. Today I am going to teach class 9 economics chapter 1, the story of village Palampur. But first of all we know about economics. In the previous classes you read civics, geography and history, but not economics. It is a new subject for you, but don't worry, it is a very easy subject. First of all we know what is economics. Economics kya hai? इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स इन सब्जेक्ट रिलेटेड टू इकोनॉमी, जो भी इकोनॉमी में एक्टिविटीज होती हैं, जो भी चीजें इकोनॉमी में होती है, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटीज होती है उसे हम इकोनॉमिक्स के अंडर में पढ़ते हैं. जैसे कि एग्जांपल के लिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर होता है किसी भी जगह पर एग्रीकल्चर हुआ, उस एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन हुआ, तो उस प्रोडक्शन से हमारे पॉपुलेशन को फूड मिला और उस प्रोडक्शन को हमारी कंट्री जो वो बाहर एक्सपोर्ट कर दी, तो उस हमारी कंट्री को बेनिफिट हुआ. सो एग्रीकल्चर इज रिगार्डेड, इट वी रीड एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक्स. तो ऑल द एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज हुई, जैसे कि बैंकिंग की एक्टिविटीज हुई, मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज हुई, जितनी भी एक्टिविटीज हमारे इकोनॉमी में होती हैं वो सारी चीजों को हम इकोनॉमिक्स के अंडर में पढ़ते हैं. वो सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. तो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट एंड यू विल इजीली अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स. In this chapter, the village, the story of village Palampur. We read this chapter about Palampur. So why we are reading this chapter Palampur? So we reading this Palampur to understand main aim of production. कि आखिर पालमपुर में प्रोडक्शन का मेन रीज़न, प्रोडक्शन क्यों हो रहा है. तो पालमपुर में प्रोडक्शन हो रहा है जिससे कि हमारे कंट्री को बेनिफिट होगा और भी अदर विलेजेस जो है वो उससे रिलेट करते हैं, तो इसलिए हम पालमपुर को पढ़ रहे हैं ताकि प्रोडक्शन के बारे में समझ सके. प्रोडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है, किस किस चीज़ से प्रोडक्शन होता है. तो आप लोग अबाउट पालमपुर पे कि पालमपुर क्या है. तो पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है. हाइपोथेटिकल विलेज मीन्स कि एन इमेजिनरी विलेज, एक ऐसा विलेज जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है. हम उसे बस प्रोडक्शन को समझने के लिए इसका यूज करें पालमपुर को एज अ हाइपोथेटिकल विलेज. पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल विलेज मीन्स की इमेजिनरी विलेज. ये असल में ऐसा कोई विलेज हम नहीं देखते. अगर रियल लाइफ में ढूंढने जाए मैप पे इंडिया पे तो हमें पालमपुर नहीं मिले, क्योंकि इससे क्यों लगे हम समझ, प्रोडक्शन को समझने के लिए हम इस विलेज को क्रिएट किया गया है. तो इट इज अ हाइपोथेटिकल विलेज. हमने इसे कि पालमपुर में है क्या, तो पालमपुर एक वेल कनेक्टेड विलेज है. इट इज अ वेल कनेक्टेड विलेज. पालमपुर जो है वो वेल कनेक्टेड विलेज है बाय रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन. ये वेल मतलब कि ये वेल कनेक्टेड कहने का मतलब कि आसपास के विलेज से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है. इसके आसपास सपोज अगर हमारे ये पालमपुर विलेज है और ये सब इसके नाइबरिंग विलेज है, तो ये इन सब से किस तरह से जुड़ा हुआ है. तो ये अपने बाय रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, कुछ व्हीकल्स चल रहे हैं इसके आसपास, जो व्हीकल्स चल रही है, जो गाड़ियाँ चल रही है उनके थ्रू ये आसपास के अपने नाइबरिंग विलेज से जुड़ा हुआ है. ये अपने बाय रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन की जो भी अदर अदर मीडियम्स होते हैं उनके थ्रू ये अपने आसपास के गांव से जुड़ा हुआ और इसका नाइबरिंग विलेज है सापुर, रायगंज. तो ये जो विलेज है पालमपुर विलेज है वो वेल कनेक्टेड विलेज है रायगंज से बाय रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन. बाय रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन, रोड और ट्रांसपोर्टेशन मीन्स की जो बाइकल्स चलती है यहाँ पे, जो गाड़ियाँ चलती हैं उसके थ्रू ये जुड़ा हुआ है अपने नाइबरिंग विलेजेस से. इसके साथ इस विलेज में अब ये गांव है, विलेज है, तो यहाँ पे फैमिलीज भी रहती होंगी. तो यहाँ पे 450 फैमिलीज रहती हैं,
450 फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं, जो कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे केवल एक ही कास्ट के लोग रहते हैं, यहाँ पे सभी कास्ट के लोग रहते हैं जो कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं। 400 फैमिलीज सभी अलग अलग डिफरेंट कास्ट के हैं, डिफरेंट कास्ट। यहाँ पे 80 फैमिलीज है जो कि अपर कास्ट से बिलोंग करती है। अपर कास्ट फैमिली है, अपर कास्ट फैमिली मतलब कि इनका जो कास्ट है वो ऊंचा कास्ट की, ये ऊपर ऊंचा कास्ट के लोग हैं, ये इनकी फैमिली जो है 80 कास्ट फैमिली। और इनके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड है, मतलब कि इस गांव में जितने भी लैंड होंगे, जितने भी जमीन होंगे, उन पे ज्यादातर उनका हिस्सा इस अपर कास्ट के पास है। मेजॉरिटी ऑफ लैंड इनके पास है, अपर कास्ट के पास है। इनके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड है, लैंड का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इनके पास है। फिर इसके बाद यहाँ पे एससी फैमिली भी रहती है। एससी मीन्स दलित। यहाँ पे पहले 450 फैमिली से 80 फैमिली अपर कास्ट की, और बाकी जो रिमेनिंग बचते हैं वो है एससी यानी कि दलित फैमिली यहाँ पे रहते हैं। और ये टोटल पॉपुलेशन का 1/3 है, जितना भी यहाँ का टोटल पॉपुलेशन है उसका ये 1/3 है, पूरे पॉपुलेशन को इतना कैप्चर करते हैं। और ये गांव के एक छोटे से कॉर्नर में रहते हैं, इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा 1/3 ये टोटल पॉपुलेशन के है, लेकिन ये रहते हैं गांव के किसी भी, अगर सपोज करते ये हमारा पूरा विलेज है तो ये बस इसके एक कॉर्नर में एग्जिस्ट करते हैं, ये गांव के एक छोटे से पार्ट में रहते हैं। और इनके जो घर होते हैं वो अपर कास्ट के कंपेयर में छोटे छोटे होते हैं। अगर अपर कास्ट के घर इतने बड़े हैं तो इनके घर इतने छोटे होंगे। सपोज कि अपर कास्ट के घर है जो वो डबल बिल्डिंग के हैं तो इनके घर जो वो झोपड़ी के होंगे। तो इन अपर कास्ट की फैमिली के जो है वो ज़्यादा रिच है, इनके जो घर है वो ज़्यादा बड़े हैं, जबकि लोअर कास्ट की जो फैमिली उनके घर छोटे छोटे और ये गाँव के किसी एक पार्ट में रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो पालमपुर विलेज है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, यहाँ पे एक हाई स्कूल है, और इसके साथ साथ यहाँ पे दो प्राइमरी स्कूल्स भी हैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जिसे कि हम हॉस्पिटल कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, डिस्पेंसरी है, हाई स्कूल है, इलेक्ट्रिसिटी है और प्राइमरी स्कूल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब कि जो पालमपुर है उसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब लास्ट इसका हम कंक्लूजन देखते हैं कि इस पालमपुर विलेज का हम किस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो पालमपुर विलेज है ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल विलेज है। यहाँ का मेन एम जो है वो है एग्रीकल्चर, जो यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग करते हैं वो है एग्रीकल्चर, यहाँ की मेन एक्टिविटी है एग्रीकल्चर, यहाँ की मेन एक्टिविटी है। ज्यादातर जो लोग हैं टोटल पॉपुलेशन का ज्यादातर काम जो है वो सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, इसके साथ साथ कुछ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी होती है। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि डेयरी फार्मिंग होती है, डेयरी का काम भी होता है, लोग यहाँ पे छोटे छोटे दुकान खोले हैं, लोग शॉपकीपर हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, गाड़ियाँ चलाते हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, छोटे छोटे मैन्युफैक्चर सामान बनाने वाले यूनिट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में लेते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी फार्मिंग मेन एक्टिविटी है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती है। तो ये सारी चीज़ें हम अबाउट पालमपुर में पढ़ते हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।